आज हम राजस्थान का जो है 75वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हो सकता है, देखो ये बड़ी मतलब थोड़ा सा विडंबना की बात है कि हमारे यहाँ जो आधुनिक बच्चे अभी आ रहे हैं, मतलब आधुनिक बच्चे जो 2000 के बाद में जन्म लिए हैं, उनको हम आधुनिक बच्चे ही कहेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के जमाने में पैदा हुए हैं। ठीक है, और कल परसों आपने प्रधानमंत्री जी को सुना भी होगा कि हमारे यहाँ बच्चे आई और AI दोनों ही साथ लेकर ही, मतलब है ना, ठीक है, वो कंसेप्ट है थोड़ा सा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से पूरा सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो हम 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अब यही अगर कोई मान लो वैलेंटाइन डे या फिर कोई क्रिसमस डे होता ना, तो हम बड़े धूमधाम से इसे मनाते। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, देखो आज हम हमारी राजस्थानी, देखो हमारी मजबूरी है, हम हिंदी भाषा में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि अगर राजस्थानी भाषा हम बोलने लग गए, प्रयास करें, तो सामने वाला नहीं समझेगा, क्योंकि हमारे राजस्थान में अब मेरे साथ समस्या क्या होती थी, घने बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के हो गए, है ना। मैं बताऊं, स्थिति ऐसी हो गई कि साहब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की अब उनके कोई मेल जोल खाने वाला मिलता ही कम है। और मैं आपको बताऊं, खैर मैं इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हूं, मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से मिला, वो RS की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनकी जो ग्रामेटिकल अशुद्धियां देखी, तो मैंने पूछा मतलब आप तो इंग्लिश मीडियम से हो, बोला साहब ग्रामर नहीं आती है, मैं केवल बोल सकता हूँ, मुझे क्या ढंग से इंग्लिश आती नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वालों का तो डब्बा गोल है, हिंदी मीडियम वालों को ग्रामर अच्छे से आती है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, वो तो खाली बाहर से ही अंग्रेज हैं, बाकी अंदर से तो मामला गोल है, वो ऐसी स्थिति में है, न तो हिंदी जानते हैं और न इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं, विडंबना की बात है कि हम राजस्थानी भाषा से धीरे 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 मोह क्या कर जा रहे हैं, भंग करते जा रहे हैं। आज राजस्थान में आप देखो, राजस्थान में इतनी सारी बोलियां हैं, उसके बावजूद भी इन बोलियों के अंदर क्या देखने को मिलता है, मिठास देखने को मिलता है। ठीक है, आप अदर स्टेट में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं अभी अगले पल ही थप्पड़ मार देगा क्या, और राजस्थानी भाषा को बोल कर देखिए, सुन के देखिए, बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तो इस राजस्थानी भाषा के लिए हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। आज 75वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इसमें एक ये शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस शब्द को गलत भी कहेंगे, हो सकता है बहुत सों को बोलने में भी प्रॉब्लम आए इसको। ठीक है, अगर मैं किसी को खड़ा करके इनमें से पूछूं कि भाई साहब इसको पढ़ना जरा एक बार, तो शायद ही कोई पढ़ पावे, है कि नहीं है। ये लिखा हुआ है कि यूं बण्यो गर्वीलो रंगीलो राजस्थान। ठीक है, अब कैसे बना था थोड़ा ध्यान से समझना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न तो आता होगा शायद, वैसे तो एकीकरण में आपने पढ़ रखा होगा कि सब 30 मार्च को अपन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। एक चीज सोचने वाली है कि हमने 30 मार्च का ही चयन क्यों किया, ऐसा क्या था उस दिन, ऐसा क्या था उस दिन कि हमने 30 मार्च का ही चयन किया। आपने एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ी होगी कि भाई जैसे आपने देखा होगा कि एकीकरण जो शुरू हो गया था वो 18 मार्च से शुरू हो गया था, और 18 मार्च 1948 से शुरू हो गया था, और ये 1 नवंबर 1956 तक चला था, 1 नवंबर 1956 तक चला था। और उस समय देखो राजस्थान में महज 19 रियासती 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर मैं कई बार बैठे बैठे सोचता हूं, इसको एक करने में, देखो इसको एक करने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लग गए थे लगभग, यानी 3000+ दिनों का समय लग गया था 19 रियासतों को एक करने में। अगर मैं कहता हूं 50 रियासत होती तो शायद आज हम भी एकीकरण का क्या होते, हिस्सा होते। वो तो मैं शुक्र गुजार हूं 3 लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, VP मेनन जी का, और लॉर्ड माउंट बेटन का। अब जैसे ही मैंने लॉर्ड माउंट बेटन का नाम लिया ना, तो आप कहोगे साहब उसके शुक्र गुजार कैसे हो, उसने तो हमारे भारत का विभाजन किया था। सर भारत का विभाजन बेशक किया हो, लेकिन उसने राजस्थान को एकता के सूत्र में बांधने का भी उसने क्या किया था, प्रयास किया था। शायद वो कहानी बहुत से लोगों ने सुन भी रखी होगी, और नहीं सुनी तो मैं बता दूं कि यहां तक मामला ठीक था, तीसरे चरण तक मामला कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आराम से हो रहा था। चौथा चरण जैसे आया था, तो उस समय जोधपुर के शासक थे हनवंत सिंह। हनवंत सिंह जो है ये आपके भोपाल के उस समय जो है, हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
भोपाल के उस समय नवाब थे हमीदुल्ला खां, उनके साथ मिलकर बातचीत कर ली उन्होंने किससे, मोहम्मद अली जिन्ना से, जो उस समय पाकिस्तान के प्रमुख हुआ करते थे। देखो हम इस लॉर्ड माउंटबेटन को गलत बताते हैं, लेकिन अगर मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अगर ये गलत होता ना तो शायद इसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नहीं बनाया जाता। हमने आजादी के बाद भी, उस समय आजाद थे हम, किसी को बना सकते थे। पाकिस्तान में आप देखना, पाकिस्तान ने अपना जो गवर्नर जनरल बनाया था उस समय वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया था, तो हम भी किसी भारतीय आदमी को बना देते। अगर ये गलत होता तो बना देते उस समय, लेकिन ये गलत नहीं था साहब। इसने बहुत प्रयास किए हमारे राजस्थान को एकता के सूत्र में बांधने के। उस समय ये हनवंत सिंह जो है मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर आ जाता है, और ऐसा उस समय इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं, उसने एक इसको खाली कागज दिया था कि आप इस कागज में जो चाहे भर के ले आना, वह सारी मांगे पूरी कर दूंगा, लेकिन आप पाकिस्तान में मिल जाना, पाकिस्तान में मिल जाना। और अगर उस समय ये हनवंत सिंह मान जाता तो शायद आज मारवाड़ हमारे हाथ में नहीं होता, जो हमारा एक तरीके से गौरव माना जाता है। मारवाड़ कहने को तो वहां रेगिस्तान में धोरे हैं, लेकिन उनकी जाकर आप देखोगे, सुंदरता देखोगे, जैसलमेर का किला आप देख लीजिए, जोधपुर का किला आप देख लीजिए, ठीक है, ये काफी ज्यादा हमारी संस्कृति को जो है दुनिया के सामने पेश करते हैं। अब इसी में अगर आप देखोगे, अगर आपने सुना हो तो राजस्थान के अंदर खड़चित्रण का कार्य होता था, अभी भी होता है, ठीक है, खड़चित्रण का कार्य होता है कि नहीं होता है। उस खड़चित्रण को विदेशों में किसने पहुंचाया था, आपको ध्यान हो तो जो अमिताभ बच्चन की फट थी ना, उसका वाचन किया गया था अमेरिका में। हमारे इसी प्रदेश के एक दंपत्ति था जिसका नाम अगर आपने सुना हो तो भोपा, जो वाचन करते थे वो भोपा कहलाते थे, और जो वो लकड़ी से समझाने वाली होती थी उसकी लुगाई, उसको भोपण कहते थे, कहते थे कि नहीं कहते थे, तो ध्यान रखना। भोपा तो था रामलाल और भोपण थी पतासी, उन्होंने वहां पर मारवाड़ के उसमें अमेरिका के अंदर जो है अमिताभ बच्चन की फड़का वाचन किया था, और उनकी तुलना पाबू जी से की थी उन्होंने, किससे की थी, पाबू जी से की थी। तो ऐसे राजस्थान के लिए अगर आप थोड़ा बहुत जाने तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब इसी समय हनवंत सिंह जो है इस कागज को लेकर आ गया था कि भाई ठीक है, मैं पाकिस्तान में मिलने के लिए क्या हूं, राजी हूं। इस बात का पता चल गया था पटेल जी को और वीपी मेनन जी को। पटेल जी और वीपी मेनन इस बात को समझ गए थे कि अगर ये हनवंत सिंह मान गया तो हमारे राजस्थान की बड़ी 3-4 रियासतें पाकिस्तान में चली जाएंगी। तो इन्होंने, वीपी मेनन और पटेल जी ने कहा कि भाई ये एक ही आदमी से मान सकता है, वो है लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि ये राजाओं को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, यहाँ काफी समय तक रहा भी था। ध्यान हो तो अगर आपको थोड़ा सा, 25 जुलाई 1947 को इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में इन्होंने ये प्रभाव जमाने की कोशिश की थी, क्योंकि आर्मी के अंदर थे तो इन्होंने ये प्रभाव जमाने की कोशिश की थी कि भाई आप राजस्थान जो है, अपितु राजस्थान नहीं पूरा भारत अगर एक यूनियन में रहेगा तो इससे थोड़ा फायदा भी होगा। और इन्होंने राजाओं को यहां तक भी विश्वास दिलाया था कि जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक आपके साथ कोई अहित नहीं हो सकता। राजाओं को जैसे तैसे करके, किसी को प्यार से, किसी को डांट के इन्होंने समझाने का क्या किया, प्रयास किया। अब उसी समय हनवंत सिंह जब इसको समझाने के लिए यहां पर आते हैं ये तीनों लोग, तो हनवंत सिंह जो है मान नहीं रहा था। अब आपने अपने गांव में देखा होगा कि 4-5 आदमी अगर किसी को समझाने के लिए आते हैं तो अगर वो नहीं मानता है तो उनमें से एक आदमी खोपड़ा खराब हो जाता है, तो बीड़ी फूंकने के लिए बाहर जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, ये घटनाएं आपने देखी होंगी राजस्थान की। अभी राजस्थान का था, लत पड़ गई साहब। अब उस समय ये मान नहीं रहा था, इसका खोपड़ा खराब, बोले एक काम करते हैं 2-4 सिगरेट फूंक के आते हैं बाहर, फिर देखते हैं वापस आके मनाएंगे, कुछ हो सकता है यहां के माहौल से बाहर जाएंगे तो 2-4 चीजें नई समझ में आ जाएंगी, जो ये मान जाएगा कैसे तैसे करके। अब इतनी देर में सरदार पटेल जी गुजरात के थे, दिमाग खिसक गया, बोले यार ऐसे नहीं माने गए, एक काम करो इसको गिरफ्तार कर लो, जेल में ले चलो, वहां इसको कूटेंगे ढंग से, ये तो क्या इसकी छाया भी मान जाएगी। अब जब पकड़ने का आदेश दिया ना तो हनवंत सिंह उस समय बोला साहब पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चुपचाप साइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपना पेन निकाला और पेन निकाल के, अब इसके पास एक ऐसा पेन था जिससे एक साइड से लिखा जाता रहा, दूसरी साइड वो पिस्टल का काम करता था, वीपी मेनन की खोपड़ी पे लगा दिया, बोला हाथ ऊंचे कर ले। पटेल जी बोला हाथ ऊंचे कर, नहीं तो अभी गोली निकाल दूंगा, ध्यान रखना। अब जब अंदर इस तरीके से हल्ला हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि भाई साहब ये तो लड़ मरे, अब चलने में फायदा है, जाकर इसको जो है हनवंत सिंह को पकड़ लिया और पकड़ के बोला भाई साहब क्या कर रहा है, अपनों को ही मार रहा है, तो उस मुस्लिम देश में सम्मिलित होने के लिए अपने लोगों का खून कर रहा है, बोला समझना चाहिए तेरे को, बता क्या चाहिए तेरे को।
मोहम्मद अली जिन्ना ने तेरे को एक खाली कागज दिया ना, मैं तेरे को दो देता हूं, तू साइन कर और भर दे इनमें क्या चाहिए। जैसे तैसे करके वो पेन उससे क्या कर लिया, छीन लिया। और आज वो पेन जो है ना, आप लंदन के म्यूजियम के अंदर जाकर देखना, वहां पे रखा हुआ है। मौका मिलेगा जीवन में जाने का, टेंशन मत लो। आप कह रहे हो साहब लंदन जाओ, हमारे से तो जयपुर से अजमेर से बाहर नहीं जाया जा रहा अभी, है ना। आप लोग लंदन जा सकते हैं अगर सोच अच्छी हो तो, ठीक है। और बाकी तो कुछ ही नहीं, आप अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करेंगे तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। जैसे तैसे करके इस हनवंत सिंह को मना लिया और इससे क्या करवा लिया, साइन करवा लिया। इतनी ही देर में जयपुर के मान सिंह, जयपुर की राजा में बड़ी अकड़ थी, इसका एक उस समय दीवान था कृष्णमाचारी, सुना होगा नाम आपने, उस वो बड़ा दिमागधारी था, इनमें तो खैर कम था इतना, बाकी उसमें ज्यादा दिमाग था। उसने कहा कि एक काम करो, हमारे जयपुर को पूरा का पूरा एक अलग रियासत छोड़ दो, और जोधपुर और ये जो इधर जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया है, बीकानेर वाला एरिया है, इनको एक काम करो अलग से पश्चिमी राजस्थान बना दो। जो आपने तीसरे चरण तक संयुक्त राजस्थान बना रखा है उसको अलग छोड़ दो। बोले मत्स्य संघ का क्या करें, बोले एक काम करो अलवर और करौली तो हमें दे दो और भरतपुर और धौलपुर यूपी को दे दो। बोला बोला तेरा दिमाग खराब है, एक छोटे से राज्य का राजा बनाएगा क्या इसको। पटेल जी ने, वीपी मैंने समझाया, बोला हम तेरे को पूरे राजस्थान का राजा बना देंगे मानसिंह, और राजधानी तेरे जयपुर को ही बना देंगे। बोले ये बात है क्या, हाँ बोले ये बात है। बोला कर साइन, कर दिया साइन। आपको ध्यान होना चाहिए 14 जनवरी को जैसे ही उन्होंने साइन किया उधर से, 14 जनवरी 1949 को उस समय सरदार पटेल जी उदयपुर में गए हुए थे, वहीं से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम इस बार जो है ना एक बड़ा राजस्थान बनाने वाले हैं, तब उसको नाम दिया था वृहत राजस्थान। अब घोषणा तो उन्होंने 14 जनवरी को कर दी, आप अगर पढ़ोगे 30 मार्च 1949 का कैलेंडर आप उठाकर देखना, मैं हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूं, उस दिन था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं अपन क्या, नववर्ष मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नववर्ष मनाते हैं। उस दिन आप देखना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और उस समय विक्रम संवत थी कौन सी, 2006। आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ये 57 साल आगे चलता है, ये 57 साल आगे चलता है, तो ये 2036 यहां पर 49, तो टोटल 57 साल क्या है आगे है। बोला क्यों ना हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम इस दिन को जो है एक नए साल के दिन ही क्यों ना करें, सेलिब्रेट करें। अब उस दिन गलती से 30 मार्च था, उस दिन गलती से क्या था, 30 मार्च था, तो इसी दिन उन्होंने राजस्थान की प्रॉपर क्या रख दी, आधारशिला रख दी, और उसी दिन से ये घोषणा कर दी कि आज के बाद में जो है ना राजस्थान के अंदर क्या मनाया जाएगा, स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो उस क्रम में आज देखोगे तो आज राजस्थान का 75वां स्थापना क्या है, दिवस है। और इतना बड़ा काम हुआ था तो बोला साहब अब इसका उद्घाटन कौन करेगा, बोला साहब पटेल जी से बड़ा आदमी कौन हो सकता है, बुलाओ पटेल जी को। सरदार पटेल जी को उस समय क्या कर दिया गया, यहां से उद्घाटन कर्ता बना दिया गया। तो इस तरीके से अगर वो सरदार पटेल जी, बीपी मेनन जी और लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होते तो शायद राजस्थानी नहीं अपितु पूरा भारत एकता के सूत्र में नहीं बनता। तो ये है राजस्थानी जो आपके स्थापना दिवस का इतिहास, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। हो सकता है किसी परीक्षा का हिस्सा ना हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ये आपके एक जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत क्या था, जरूरी था। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं था कि राजस्थान दिवस अपन 30 मार्च को क्यों मनाते हैं। तो आज आराम से राजस्थान जो दिवस है, स्थापना दिवस, उसको सेलिब्रेट कीजिए।